अल्लाह के सामने जवाब दे होने का तसव्वुर रखने वाले, जन्नत और दोज़ख का अकीदा रखने वाले, एक रसूल को मानने वाले, एक ही तुबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहा है, हर एक शख्स ये चाहता है कि दुनियावी जिंदगी उसकी कामयाब हो, जिंदगी को जैसे तैसे मरने के बाद जो हकीकी जिंदगी आने वाली उसमें आए तो कामयाबी हो जाए। तमाम इबादतों और तमाम लोगों का मकसद यही है, सरकार यही चाहता है। कानून में कहीं कहीं कुछ उलझने दरपेश हुई आइयों को, ठीक है उनका हक है कि वो दलील तरफ है उसे समझें, कुछ खलजान लोग को उसको मुताले के जरिए उलमा के जरिए अल्लाह की किताब के जरिए सबसे पहले मैं एक बुनियादी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, उसके बाद अगर कुछ सवाल तो हो सकते हैं तो बात करें। यहाँ हर मुसब्बब अपने सबब के साथ लगा हुआ है, बगैर बादल की वर्षा नहीं होती है। रहमान अर्श पर मुस्तफ़ा उस पर बिठाया, उसने इसको इसने बिठाया अल्लाह ने, जाहिर है कि वो अल्लाह की तरफ से उस मंसब के ऊपर बैठा हुआ है और इसलिए बैठा हुआ है, इसलिए बिठाया गया ताकि लोग इसकी इताअत करें, ताकि इसकी इताअत करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की इताअत हो, वरना अल्लाह तबारक व तआला की इताअत हो सके ही नहीं। अच्छा, अब इस सिलेक्टिव इस मुस्तफा को एक पैगाम दिया जाता है, जैसे एक बादशाह होता है वो अपने दरबारियों को एक पैगाम सुनाना चाहे कि मेरे दरबारियों को ये पैगाम सुना दो, तो उसके लिए अपने मुसाहिब खास को बुलाता है, उसका खास मुसाहिब होता है कि ये फरमान ये लो तुम और इस फरमान को दरबारियों को सुनाओ। फरमान किसका है? अच्छा, हाकिम किसके लिए है? मुसाहिब खास तो उसका फरमान नहीं, फरमान किसका है? हाथ में आया है इसके पास, इसका काम क्या है? ये उस फरमाने खास को सुनाएगा। अच्छा, फरमाने खास की कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो सारे लोग नहीं समझ पाते, ये खास होने की वजह से इस बादशाह के उन टर्मिनोलॉजी से वाकिफ होता है या बादशाह उस मुसाहिब खास को उन टर्मिनोलॉजीज को बताए भी होता है। अब ये पढ़कर फरमान को सुना एक आदमी खड़ा होता है, वो क्या पढ़ा आपने? हाँ ये नहीं मतलब नहीं समझे उसका, तो अपनी तरफ से वो मतलब बताता है, दर हकीकत तो उसकी तरफ से नहीं होता बल्कि उस टर्मिनोलॉजी को बादशाह की तरफ से वो हासिल किए हुए होता है, जबान उसकी होती है बात उसकी, उस टर्मिनोलॉजी को वो लोगों के सामने पेश करता है। तो उसके लिए मतलब एक आदमी खड़ा होता है तो वो जो आपने आगे पढ़ा उसका क्या मतलब है? नहीं समझ में आया। अब उस टर्मिनोलॉजी को भी
uzun tarih. Gezerli başlarına kadar ayağı olmadı. Yılas benler gibi. Tabii ki her adamın o terminolojisi vakit değil. Belki bu sahibi khas o uski vazahat kadar bir vakti de uskiye batani o uski vakşah yok. ये बहुत ही दकीक होता है अब बताइए क्या उस फरमान में और उस वजाहत में क्या ये बादशाह का शरीर है सिर्फ और सिर्फ तकीन सिर्फ और सिर्फ वजाहत अब कभी कभी ऐसा होता है कि वो आदमी ओरली नहीं समझ पाता उस बात पर ही नहीं समझता इसलिए कि मुखातबीन के जो जहन होते हैं उनकी मुख्तलिफ सतहें होती है कोई नासिक फील नहीं होता और नासिक फूल फील तुम्हारी औलाद के बारे में
تو ان کو وصیت کر رہا ہے کہ لڑکی کا ایک حصہ لڑکے کا ہر ایک ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آیا اس کے قانون میں ایک بات نہیں سمجھ میں آیا کیا کہا کہ میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں میرا ایک بیٹا ہے وہ کافر ہو گیا ہے تو وہ بھی اولاد ہے میری کیا میرے مرنے کے بعد میری وراثت سے اس کو وہی تو حصہ ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح فرمایا لا یرث الکافر من المسلم ولا المسلم من الکافر کافر مسلم کا وارث ہے مسلم کافر کا وارث ہے. اب بتائیے کہ جو نبی کی حدیث ہے کیا ایسا کہ کریمہ کے خلاف ہے؟ لیکن سوال پیدا ہو رہا ہے اور قانون اس کا جواب نہیں. قانون اس کا جواب نہیں پورا قرآن کرتے ہیں کئی اس کا جواب نہیں. تو نبی نے اس کی جو وضاحت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کا بتانے کی وجہ سے بتایا. اب یہ میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں اللہ کے بتانے کی وجہ سے اس کو یہ کہہ لیجیے اللہ نے فرمایا اللہ سے تین ہی طریقے سے بات ہو سکتی ہے تین طریقے سے بات ہو سکتی ہے. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. اللہ سے کوئی انسان بات نہیں کر سکتا مگر تین طریقے سے. ایک تو وحی وحی مانا اشارہ لوگوں میں مانا اشارہ اچھا تو اشارہ ہو دوسرے پردے کے پیچھے سے من وراء حجاب پردے کے پیچھے سے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسی کو فرمایا معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وہ پردے کے پیچھے سے سامنے نہیں آیا اس لیے کہ یہ فانیہ کو سے نہیں سکتا لا بالکل الفاظ. تو پردے کے پیچھے سے گفتگو ہوئی حضرت موسی علیہ السلام سے پردے کے پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی. تو ایک دریا ہے بات کا پہنچانے کا وقت دل میں بات ڈال دے اشارہ کر دے دوسرے پردے کے پیچھے تیسرے اور یرسل رسولا یا کوئی سلیکٹڈ شخص ہو اس کو بھیجا جائے اور اللہ کسی فرشتے کے ذریعے اس کو اوپر وحی کرے اور اس وحی کو لوگوں کو سامنے لائے. اب بتائیے آپ یہ تین ہی شکلیں ہیں. اب اس وحی کے اندر بہت ساری چیزیں آ گئی اشارے دل میں بات ڈال دے خواب میں بات ڈال دے چونکہ یہ خاص ہوتا ہے عام آدمی سے بالکل الگ ہوتا ہے اور یہی نقطہ یاد رکھے کہ رسول جس طرح ایک سفیر ہوتا ہے سفیر یا کوئی مصاحب خاص کی میں نے مثال دی کوئی سفیر کوئی ایمبیسیڈر ہوتا ہے کہیں کسی دوسرے ملک کے اندر جاتا ہے تو ایمبیسیڈر اس کا ایک ہوتا ہے لیکن ایک اور چیز بھی ہے ایک تو اس حکومت کا شہری ہے ایمبیسیڈر اب ہندوستان کا ایمبیسیڈر اس کی تو ایسی ہے ایک تو وہ ہمارے اس ملک کا ایک شہری ہے ایک اور دوسرے ایک منصب کے اوپر فائز ہے اس کی دو حیثیت ہیں. ایسے ہی رسول جو ہوتا ہے مقام ابدیت مقام بندگی پر فائز ہوگا وہ معبود نہیں ہوگا اس کی عبادت ہی جائز نہیں ہے حرام ہے وہ معبود ہوتا ہی نہیں اس کی عبادت کے لوگوں کو کہتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت میں بھی مقام بندگی پر فائز ہوں جس طرح تم بندے ہو اللہ کے عبد ہو ایسے ہی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں. تو رسول کی ایک حیثیت یہ ہو مقام بندگی پر فائز ہوتا ہے عام آدمی جس طریقے سے بندہ ہوتا ہے ایسے ہی نبی ہی مقام بندگی پر فائز ہوتا ہے کوئی فرق نہیں بندگی جس طرح ایک عام آدمی بندہ ہوتا ہے اور مقام بندگی پر فائز ہوتا ہے بہن ہی اسی طریقے سے مقام بندگی پر رسول بھی فائز ہوتا ہے جس طرح ایک عام شہری ہوتا ہے ایسے ہی ایمبیسیڈر بھی ایک شہری ہوتا ہے. لیکن اب ایمبیسیڈر کا مقام منصب وہ بالکل ایک الگ منصب ہے ایک شریری ہونے کا ہاتھ ہے اس کو اس کی حیثیت ہے اور ایک ایمبیسیڈر ہونے کی حیثیت ایسے ہی رسول کی ایک حیثیت ہے مقام بندگی پر فائز ہونا اور دوسری حیثیت ہے مقام نمائندگی پر فائز ہونا. اللہ نے اس کو نمائندہ بنایا یہ میں نہیں کہہ رہا اللہ تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا ہم ارسلنا الرسول الا یطاع بهن ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے تاکہ ان کی اطاعت کی جائے اطاعت ایسے نہیں میرا حکم کرا ہوا بإذن اللہ میرا حکم ہے کہ اس کے ساتھ میں وہاں سے آ کر میں محاذ میں آئی نہیں سکتا میں تو مرید ہوں میں ہر بندے کے پیچھے قانون لے کر تو بڑی گھوموں گا
ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਲੈ ਲੈ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਲੈ ਜਨਮ ਬਜਾਏ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ ਜਨਮ ਬਜਾਏ ਤੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਔਰ ਮਕਾਮ ਬੰਦਗੀ ਪਰ ਫਾਇਜ਼ ਕਰਨੇ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਮਕਾਮ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪਰ ਫਾਇਜ਼ ਕਰਤਾ ਅਬ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਤ ਮੇਰੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਵਜ਼ਾਹਤ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾ ਇੱਕ ਇਜਮਾਲ ਕੀ ਅਗਰ ਤਫਸੀਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਬ ਮੈਂ ਬੋਲੂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ ਬੀਜ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਬਰਾਤ ਹੈ आपको मानना है इसलिए कि बीज असल है और उसके अंदर से जो पेड़ निकला उसे बीज का एक्सटेंशन है जो से बीज के अंदर तो अगर अब देखिए बीज के अंदर तो सिर्फ बीज दिखाई दे रहा है बीज ही दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर से जब निकलता है तना निकले तना निकले एक बार डाले 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 के ऊपर पत्ते लगे और वहां पर जो है फल आएंगे तो आप देखें कि इस बीज का लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में मकबूल ना होने की वजह से अब क्या कहा
हमें अच्छा नहीं लगा, ये हमारी बारगाह में मकबूल नहीं हुआ, तो अब इरादा करके अगर करना चाह रहा है तो रोक दिया जाएगा, और अगर सुदूर हो गया तो गिफ्ट बैक उसकी सलाह कर दिया कैसे कर दिया। मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद बड़े लोगों को लेकर बैठे हुए हैं, किनको? अबू जहल को, मुलहब को, कुछ लोग हैं वहां बैठे हुए बड़े बड़े लोग मुशरिक है कट्टर, समझा जन्नत है जहन्नम, मैं जो दिल लाया हूं अल्लाह का रसूल, दिल लाया हूं भाई रहो खैर रहो। अब आप समझाए बड़े बड़े लोग, इतने में एक नाबीना साहबी आ जाए हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम, अब एक सवाल कर क्या है, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत क्या है? बिल्कुल खालिस है कि ये बड़े लोग अगर ईमान ले आते तो इस्लाम का फायदा, अब ये अंधा का ईमान ले आया है तो इससे उतना फायदा कहां होने वाला है वो क्या करा, आपने कुछ सोचा? तो आपस में बताओ आपके चेहरे के ऊपर, आपकी पेशानी के ऊपर लकीरें पड़ गई, चोरियों पर फल पड़ गए और आपने पिक कर दिया। देखिए नबी के ऊपर ये वाजिब है, फर्ज है कि कोई नबी से सवाल करे तो उसके साथ नरमी का बर्ताव करे, खुशरूई न दिखाए, छीन पर जती ना हो, उसके सवाल का जवाब तो उसे पीठ न फेरे। और यहां कहा गया है अंधा जब आया अबस अबकब अल्लाह अंजा अहुल आमा, तो अंधा आया तो आपके पेशानी को पर लकीरें पड़ गई और आपने पीट कर दिया, आपको डांट गए, आपको डांट गए। हमारे वजीर का लाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता है कि वो दिल की सफाई के लिए कोई मसला पूछने आया हो। अब आप बताइए कि ये जो आपने पीट फेरा है और चीख पर चढ़ी हुए, क्या आपकी नियत में फसाद था? नौजुबिल्लाह, आपको बड़े लोगों को समझाने में मशगूल थे कि ये अगर ईमान ले आए तो इस्लाम का बड़ा फायदा होगा, आपकी नीयत में इखलास था, लेकिन चूंकि ये हरकत नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला की मकबूल नहीं हुई, देखिए नीयत में इखलास है मकबूल नहीं हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको गिफ्ट फरमाई, ऐसा आइंदा नहीं होना चाहिए। अब असल तवल्ला अंजा अहुल्ला, अब बताइए जिसकी जिंदगी की हर हालत अल्लाह तबारक व तआला के निगाह में सामने तो वो जैसी गलत तशरीह कर गलत बात ऊपर को बना दे तो कैसे आदमी यकीन कर सकता है कि नबी इस तरीके की कोई हरकत कर सकता है? अब आप देखिए जैसा कि मैंने बताया कि बीज के अंदर पूरा दरख्त होता है, अगर दरख्त शाखा है बीज समझे मालूम है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाए कि कब्र में अज़ाब होगा, बहुत बहुत सुनिए कब्र में अज़ाब होगा, हमने उनका बड़ा शदीद मुहासबा किया, बात करना
एकदम तफसील किया ना, ये मतलब नहीं है कुरान में। देखो अरबी ना समझने की जरूरत, फसल का मतलब होता है चैप्टर, शुरू चैप्टर, ये एक अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय। तो हर चैप्टर के अंदर एक एक गुणमान होता है, एक एक गुणमान होता है चैप्टर। अरबी में उसको फसल बोलते बराबर, फसल बोलते। और लोकल में अगर आप देखो तो फर्स्ट तरह ही फसल तफसील का मतलब होता है दर्जी का कटिंग करना, तफसील मैंने कटिंग आप देखिए जो कटिंग है ये कपड़ा तो कुर्ता सिलना है, चड्डी सिलना है, आप वो टेबल के ऊपर कपड़े को रखेगा और उसके बाद कई चीज उसको पहन कर इस कटिंग को आदमी में तफसील है, तफसील। अब तफसील का मतलब आप देखिए, आप एक चीज अलग हो गई दूसरी चीज अलग हो गई। ये कपड़े का छोटे कपड़े तफसील मैंने कटिंग, कपड़ा इधर आ गया कपड़ा इधर आ गया, तो बोला एक के बाद एक, एक के बाद एक किया हुआ, पहले ये किया गया उसके बाद ये किया गया उसके बाद ये किया गया उसके बाद ये किया गया। अब देखिए वो फसल का मतलब मैं बता रहा हूँ, अल्लाह का कारण क्या पता है, फारसल नारे वो तूफान वल जरा वल कुम्बल वल सफाकिया वल दमा आया कि मुफसल, हमने उनके ऊपर मामला नबी को तो सौंपा जा रहा है उसको जाकर।
करना है इसका युवा बिल्कुल बात करो लेकिन मनुष्य याद करने कई मजे होते हैं ये भी मान सकता वो भी मान सकता वो भी मान सकता और मनुष्य आयात को समझने के दो तरीके एक तो नबी से समझ लिया जाए या फिर मनुष्य आयात को किसी मोहर के ऊपर पेश कर दिया जाए बिल्कुल बात हो रहा है जैसे ये नसूरा को नसूर चलो अल्लाह को बोल दे तो अल्लाह को भूल गया सही किया तो मनुष्य आयात अल्लाह भूल गया कैसे अल्लाह तो भूल गया अब इसको क्या करें डायरेक्ट आयत मोहर के ऊपर पेश कर दीजिए मतलब हुआ क्या करो उनका नसीहत अल्लाह भूलता नहीं देखिए आयत वो तशाबे का मतलब मोहर के साथ कई भी ऐसा होता है कि किसी आयत में मुतशाबे का मतलब नबी और वजाहत के साथ बयान करता है कुरान में होता है मगर उसको और वजाहत के साथ बयान करता है तो नबी की जो वजाहत होती है वो आयत कुरान के खिलाफ नहीं होती बल्कि उसका एक्सटेंशन होती है और एक्सटेंशन जो होता है वो दरअसल मतन की मतन के अंदर ही होता है असल के अंदर ही होता है अब जैसे दरख्त पूरा का पूरा बीज के अंदर होता है तो दरख्त वो बीज का एक्सटेंशन जो है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीर और तबीन जो होती है एक सही हदीस दूसरी सही हदीस की कभी खिलाफ नहीं होती बलाई से तारुफ है बलाई पाते से बंदे से पूछे गा अल्लाह तबारक ताला क्या तुमने दुनिया में शिर्क किया था वो कहे अल्लाह ही और अब बिना मैं कुछ नहीं शिर्क किया है अल्लाह के सामने बोलते हो क्या बोले अरे रब तेरी कसम हमारे रब की कसम हम शिर्क नहीं करते तो मुझे क्यों अल्लाह के सामने झूठ बोलते हो तो अल्लाह फरमाएगा देखो झूठ बोल रहे तो मुंह पर मार लगा उसको अली उमर रहमतुल्लाह अलैह मुंह नहीं बोली बल्कि हम हाथ पैदा आए ये तो रख पाई उतना ही भी आप हाथ बोले वो तशरु अपने पैर को लेकिन एक जगह है अरे वो तशरु वाले अल सुनत उनके मुंह बोले उनकी जबान बोले अब देखो यहाँ मुंह पर ताले लगे हुए तो ताया ना वो ऐसा दिखाई देता है ताबूत दिखाई देता है मसला ताबूत का नहीं है टकराव का नहीं है कि एक आए दूसरे के खिलाफ दिख रही ये देखा जाए कि दोनों के टकराव का सॉल्यूशन क्या है सॉल्यूशन है या नहीं है तकदीर है या नहीं तकलीफ है कि दोनों की तकलीफ हो सकती है कि दोनों आपस में मिल सकते हैं कि नहीं जैसे नसूला पर नसी हूं और वो मां कारा पर नसी दोनों को मिलाने के बाद बात की तो वाजह हो जाती है समझ में आप लोग अल्लाह पाक का फरमान है बहुत सारी बस्तियां ऐसी गुजरी हैं जिनके लोग बर्दाश्त थे हमारे अहकाम को उन्होंने नाफरमानी की तो उन्होंने क्या किया उनका यही हिसाब किया शदीद हिसाब कुरान अल्लाह का अदा और मुद्रा और हमने उनको बड़ा ही जबरदस्त और बहुत ही खराब और इसी पर बस नहीं है अब्दुल्लाह और मदाब में शदीदा ये तो चखा हुआ है अब इनके लिए जहन्नम नारा पर तैयार अब मैं ये बोलता हूं कि मालिकुद्दीन दीन का मतलब ही न समझने की वजह से गड़बड़े हुए हैं एक होता है हिसाब एक होता है दीन दीन का मतलब अर्थ होता है मुहावरा है कमा तदीनो तुतान जैसी जैसी करनी वैसी वैसी करनी ये दुनिया में होती और इसी वजह से उसकी तफसीर जगह जगह कुरान में आई अली और कुफा कुल नफ्स आज पूरा पूरा बदल दिया है जैसे वो शायर ने हमासा के शायर ने कहा जब वो नहीं माने तो दिल ना हूं कमा कानू जैसा उन्होंने हमारे साथ किया था बिल्कुल हमने उनके साथ वैसे किया हमारी बस्तियां जला दी तो उनकी बस्तियां जला दी तो पूरे पूरे बदले को दीन कहते तो अल्लाह तआला क्या फरमा रहा है माली भी और दीन दुनिया में हम पूरा बदला देंगे कयामत के दिन हर आदमी को पूरा पूरा लास्ट जजमेंट इसी वजह से दिया जा रहा है अब बताइए वहां पूरा पूरा बदला दिया जा रहा है अगर जुज़वी तौर पर किसी अमल का बदला यही दे दिया जाए तो पूरे पूरे बदले के खिलाफ काम होगा अब दुनिया में मिल गया है अब अगर कोई कहे बरज़ख में भी अज़ाब होता है तो एक्सटेंशन है आयत करीमा के खिलाफ में एक्सटेंशन है मसला यह कि यौमुल दीन से पहले लास्ट जजमेंट से पहले पूरे पूरे बदला दिए जाने से पहले अजाब है कि नहीं है अजाब है इसलिए कि कुरान खुद कह रहा है कि दुनिया में हमको अजाब दिया तो दुनिया में जब अजाब मिला अब दुनिया से जाने के बाद एक फसल जमानी का मतलब क्या हो रहा है यहां से यहां तक तो जब मिन आता है रबी तो उससे बताता है और इला जब आता है तब तक बताता है अब बताइए मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून उनके पीछे से कयामत तक उठाए जाने अब मिन और से मिन ये मिन बॉम्बे लहैदा तो मिन ने बताया इब्तिदा और इला ने बताया इंतहा मिन वराइहिम बरज़ख इला यौमि युबअसून अब ये मरने के बाद बरज़ख का इस दुनिया से मिला हुआ है और
कि इस कदर को बचकाना हरकतें हैं, इस कदर को दिखलाना हरकतें करते हो कि अजीब और अब एक दूसरे आलम का कयास इस आलम के ऊपर किया जा रहा है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज में हजरत मूसा अलैहि सलाम को कब्र में नमाज पढ़ते हुए देख रहे तो आलम मिसाल है, अगर वक्त मौजूदा है और मौजूदा जो होता है मसाई की दलील नहीं होता, नबूत की दलील होता है, ये दुनिया में नया दलील होगा। तो जिनके जहन साफ होते हैं कुरान कुरान के बाद में से हदीस के बाद उनको शक नहीं गुजरता। मैंने कितना ही पढ़ा, मुझे तो बेशक नहीं गुजरता, मेरे सामने तो बिल्कुल अच्छी आई की तरह साफ पढ़े। मैं आयत मुहर्रमा को आयत मुतशाबिहात की रोशनी में, आयत मुतशाबिहात को आयत मुहर्रमा की रोशनी में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीहात की रोशनी में इतना बिल्कुल काफी नजर नहीं आता, बिल्कुल तसव्वुर नजर नहीं आता, जबकि मैं बुनियादी तौर पर अरबी जबान बता रही हूँ, अरबी जबान बोलता हूँ, अरबी जबान लिखता हूँ, लेकिन मुझे तो कभी कुछ नजर नहीं आता। मैं मजमून जुमला
बस घूम चूंगा, जैसे कामा से जाऊं, कामा से जाऊं, कामा से हमने मस्तक निकाल लिया कया और जैद जो सफाया है, कामा से मस्तक निकाल कर के कया उसकी इजाजत कर दीजिए जैद की तरफ कया में से, कया में से मैं मस्तक निकाल जैद के खड़ा हूं। अब उमा यंत्य को मैं मा यंत्य को जो कुछ वो बोलते हैं क्या मतलब यंत्य को से नुत्क निकाल लिया मस्तक और हवा की नीर मुंशी को लिखा करते थे
अब वो हिंदुस्तान में रहते रहते हो, देवबंद में रहते रहते हो, काफी उर्दू सीख गया, बड़ी अच्छी उर्दू बोलता था और पढ़ता भी था और बार बार मुंशी जी से कहा जाता था, अजी तुम क्या उर्दू बोलते हो, अहले ज़बान हो गए, मैं अहले ज़बान नहीं हूं, मेरी ज़बान मदर टंग मेरी अंग्रेजी है, लेकिन मैं तुमसे अच्छे उर्दू जानता हूं। बेचारे बोले दिल महसूस कर रहे नौकरी कमा एक दफा बोल पड़ा फिर अरे तुमको कुछ आ जाता है तुम क्या उर्दू आती है, तुम्हारी उर्दू जो है मेरी उर्दू से बिल्कुल अच्छी है, तुम अहले ज़बान नहीं। उन्होंने तय कर लिया नौकरी रहे या ना रहे आज तो जवाब दे ही देना है, कहा कि अगर मैं तुम्हारा इम्तिहान लूं तो बगले छापे हो क्या कहा तुमने, अगर मैं इम्तिहान लूं तो आगे क्या बोले बगले छापे कि इस तरह क्या मतलब था क्या आपको उर्दू बड़े भाई नहीं लोग देखिए अब गया डिक्शनरी खोल रहा फिर वो लगा या कोई भी डिक्शनरी तो देखता है बगल है अब ये छाकने का मतलब पी तो क्या कर रहा है हाथ पर अगर मुंह छाक रहा है देखे बगल भी है छाक रहा भी है तो लुगत में देख करके बगले छाकना ये तो लुगत में नहीं होता है, लुगत में कम से कम माना दिया रहता है, अब जरा एक्सटेंशन कर दिया गया कि कहीं ये मुहावरा तुम्हारे भी दे दिया करते तो बगले छाकना, अब बगल का मतलब क्या है ये बगल, अब उसके बाद छाकना मुंशी जी के पास आए कहा कि हल हो गया बगने झांकना ताकि बिल्कुल हल हो गया लोहत तक सज करके आया हूं बोल लोहत दे के आऊ उर्दू की कहा कि क्या बगले झांकने का क्या मतलब हुआ बोले ये देखो ये मतलब लगता है रेखा है बाप बगले झांकने का मतलब होगा हैरत ज्यादा हो जाना, हैरत ज्यादा हो जाना ये मुहावरा है ना कि बगले झांकना ये बगल झांकना, तो इस तरीके से लोहत देख करके किसी लफ्ज का माना होता है तफसीली होगा, मैं गुजारिश करूँगा